गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अभी तक इस चैप्टर में आपने थ्योरेटिकल टॉपिक्स देखे, आज हम चलते हैं किसी सेल के डायमेंशन के ऊपर। अब इस चैप्टर से मैंने आपको पहले ही बोला है कि टू टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आने हैं। वन कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल यूनिट सेल वगैरह के आपने ऑलरेडी कर लिए, ऑलरेडी टेस्ट भी हो गया आपका। अभी जो न्यूमेरिकल है वो बिलोंग करता है 3 मार्क्स कैटेगरी को। ये टू टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिसका सेकेंड कैटेगरी में आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, सपोज आपके पास एक यूनिट सेल है। अब ये यूनिट सेल सिंपल हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल है। और क्यूबिक यूनिट सेल का जो मास है, सपोज करिए मास है इसका एम, एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल सपोज कर आपने ए है। डेंसिटी फॉर्मूला पता ही है आपको, तो आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सेल इक्वल मास ऑफ सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल। क्लियर है? डेंसिटी आपने इमेजिन करा डी है, मास क्या हुआ एम, एंड वॉल्यूम ऑफ सेल ए क्यूब। ए क्यूब क्यों लिखा मैंने, बिकॉज क्यूब का वॉल्यूम आपका ए क्यूब होता है। गॉट इट? अब यहां से मेन चीज स्टार्ट है डेरिवेशन में। देखिए ध्यान से समझना, मैं समझाने वाला हूं। जैसे आपके पास सेल की कैटेगरी है बीसीसी, ओके अब किसी सेल के मास से क्या मतलब है, पहले ध्यान सुन लीजिए। जैसे मैंने बोला कि आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सेल का मास कैसे पता लगेगा, जब आप उस सेल में प्रेजेंट सारे एटम के मास को कैलकुलेट करोगे। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम्स होते हैं, ओनली वन एटम, तो आप क्या लिखोगे, वन एटम का जो मास है वो इक्वल टू मास किसके, सिंपल क्यूबिक सेल के। बात करते हैं बीसीसी की, बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ टू एटम्स। एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, फोर, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ फोर एटम्स। तो अगर आपको किसी सेल का मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप उस सेल की रैंक को मल्टीप्लाई करोगे किससे, मास ऑफ एटम्स। देख लीजिए, अगर सिंपल सेल है तो रैंक क्या हो जाएगी, वन, तो वन इंटू मास ऑफ एटम। बीसीसी है तो रैंक क्या हो जाएगी, टू, टू इंटू मास ऑफ एटम। एफसीसी में फोर हो जाएगी, फोर इंटू मास ऑफ एटम। क्लियर है? रैंक आप क्या बोलोगे, रैंक को जेड, और मास क्या हुआ एम। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा मास अलग कर देता हूं, मास ऑफ सेल। ओके, तो ये वैल्यू लगाई मैंने, तो क्या बन जाएगा, डी इक्वल रैंक जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू। ये एम कौन सा एम है, मास ऑफ वन एटम। क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है मास ऑफ एटम इक्वल मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, याद है, मूल्य मूल पढ़ा हुआ है आपने। तो मास ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास मतलब उस एटम का एटॉमिक मास, जनरल टर्म में। ओके, अगर दिक्कत हो तो आप चाहो तो ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हो। तो ये जो टर्म है मास ऑफ एटम, इसको अगर हम क्या प्लेस कर देंगे, डी इक्वल जेड इंटू मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सेल का, मतलब इस फॉर्मूला से सेल का डेंसिटी, सेल का एज, आपकी सेल का रैंक कौन सा है, आपकी सेल में कौन सी कैटेगरी का एटम फिल है, उस एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, अगर आ जाए तो 2 मार्क्स में आपको मिलेगा डेरिवेशन करने के लिए, बहुत सिंपल है। ओके, अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, बढ़ते हैं आगे। देखिए, डेंसिटी फॉर्मूला पर मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं, सारे में बोर्ड में आए हुए कराने वाला हूँ आपको, है ना, बहुत सिंपल वगैरह नहीं लेंगे हम, बहुत बिल्कुल इजी स्टैंडर्ड का। सारे बोर्ड में जो आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि एक्चुअल आइडिया लगे। ओके, देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यू आर हैविंग क्रोमियम मेटल, आपके पास क्रोमियम मेटल है, और क्रोमियम मेटल का पैटर्न है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ओके, अब बीसीसी का मतलब क्या है, इसकी जो रैंक है वो रैंक क्या है आपकी, 2 है।
ध्यान रखना है, पता है आपको, यूनिट सेल का एज लेंथ ए 287 पिकोमीटर मेंशन है, पिकोमीटर है, चेंज करना है। अगर यहां मिस्टेक रह गई आपको, इफ यू नॉट चेंज पिकोमीटर इनटू मीटर, समझिए वही आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग है। अच्छा, मीटर में भी चेंज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है बताऊंगा। एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है आपको और आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ सेल। ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल में, मैक्सिमम लोगों का ये न्यूमेरिकल रॉन्ग होता है। अब रॉन्ग क्यों होता है देखिए, आपको बीसीसी पैटर्न दिया हुआ है, ए का वैल्यू मेंशन है, एज लेंथ, ए का मतलब पता है आपको, ए का मतलब है एज, 287 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस आपको आर निकालना है, मतलब इस सेल में जो क्रोमियम एटम फिट होगा उस क्रोमियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, क्लियर। दूसरा निकालना है आपको डेंसिटी ऑफ सेल। अब ध्यान से देखिए, आपको क्रोमियम का मोलर मास मेंशन है 52 और यहां मेंशन है ग्राम पर मोल, ये चीज है इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिकोमीटर लिया तो पिकोमीटर पता है ही आपको 287 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, आप मोला साहब ने मीटर में चेंज कर ही दिया, अब भी रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपको जो मोलर मास मेंशन है क्रोमियम का वो किसमें, ग्राम में मेंशन, और मोल है यहां, तो अगर ये ग्राम में मेंशन है तो आपका डेंसिटी किसमें आएगा, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो मीटर नहीं लेना है आपको, किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। कैसे चेंज करोगे, 287 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100 सेंटीमीटर। डिटेल बता रहा हूं एक बार करके आपको, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 287 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर डेसिमल यहां प्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा, 2.87 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको लेनी है। ओके, कर लोगे, ये चीज ध्यान रखना है, छोटा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन। अगर ये रॉन्ग हुआ समझो पूरा न्यूमेरिकल गया आपका, 3 मार्क्स में से आपको हाफ मार्क यू विल गेट, वो भी किस चीज का, फॉर्मूला लिखने का। बाकी तो सिंपल है, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ए का वैल्यू 2.87 10 की पावर माइनस 8 4 रूट 3 और ये आर, यहां से आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। रूट 3 का वैल्यू प्लेस कर देना, 1.73 जो भी होता है आपका, क्लियर है। बढ़ते हैं, देखिए अब कैलकुलेट करना है आपको डेंसिटी। मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम अगर आना होगा तो प्रॉब्लम आएगा इस जगह, तो यहां आपको अटेंटिव रहना है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है, यहां ट्रबल इज होती है, तो ये केयरफुल रहना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बताया आपको, रैंक इंटू मोलर मास ऑफ क्रोमियम या एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए वैल्यू प्लेस करता हूं, जेड का वैल्यू 2 है, ये था 2 बीसीसी के लिए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम 52, ए क्यूब 2.87 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। इफ यू आर नॉट हैविंग सफिशियंट टाइम, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम नहीं बचता है तो आप इसको 6 भी ले सकते हैं, क्लियर है। अब काटा पीटी करना है, 2 इंटू 52 अपॉन 2.87 का होल क्यूब इंटू 10 का पावर, मैं पहले इसको कर लेता हूं, 6.022 इंटू 10 की पावर माइनस 24 10 की पावर 23, सही है। तो ये काटा पीटी कर लीजिए, कट करिए इसको, क्या बचेगा, माइनस 1, सही। बढ़ते आगे, ये वैल्यू देखो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 52 इंटू, ये 10 की पावर माइनस 1 है, ऊपर ले आइए, क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2.87 क्लियर है, इंटू 6.022
छोटी वैल्यू है, आप चाहे तो लीजिए या आप चाहे तो मत लीजिए, ये कैलकुलेशन। तो पहले काटा पीटी वाला काम कर लेना, सो दैट यू विल गेट योर आंसर एग्जैक्टली। करोगे? बढ़ते हैं अगले। ये न्यूमेरिकल नंबर टू देखिए आप, ये भी हॉट्स की कैटेगरी में, और सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी आई है इस न्यूमेरिकल में तो ये कैटेगरी आई है। अब क्या है न्यूमेरिकल देखिए, आपको एलिमेंट का मोलर मास मेंशन है 2.7 × 10⁻²⁰ केजी पर मोल। ऑलरेडी आपको मोलर मास मेंशन है। यूनिट सेल का एज मेंशन है 405 पिकोमीटर। डेंसिटी मेंशन है सेल का 2.7 × 10³ kg/m³। आपको बताना है नेचर ऑफ सेल। अब नेचर ऑफ सेल का मीनिंग क्या है? नेचर ऑफ सेल का मीनिंग है उस सेल की कैटेगरी कौन सी है। आपका वो सेल सिंपल सेल है, बीसीसी है या एफसीसी है, तो मैंने लिखा है वो सेल सिंपल है, बीसीसी है या एफसीसी है। कैसे पता लगता है हमें कि सिंपल के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 1, बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है 2, एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4। तो अगर आपका जेड का वैल्यू 1 आता है तो सिंपल सेल है, जेड का वैल्यू 2 आता है तो बीसीसी है, और 4 आता है तो एफसीसी है। मतलब क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है जेड। ये है नेचर ऑफ सेल, बाकी नॉर्मल है। अब यहां फिर प्रॉब्लम है। अब यहां देखिए, आपका जो ग्राम एटमिक मास है वो मेंशन है किलोग्राम अपॉन मोल में, आपको डेंसिटी मेंशन है केजी अपॉन मीटर क्यूब में। तो जब आप पिकोमीटर को चेंज करोगे तो आपको क्या करना है 405 × 10⁻²⁰ सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना। क्यों? तो यहां भी मीटर है और यहां भी मीटर है। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करा तो आपको ये भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और बड़ा हेक्टिक टास्क है, कर तो लोगे बट वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्लियर है? तो टाइम बचाना है, बोर्ड एग्जाम में हमें ये भी देखना है, बाकी कुछ नहीं निमेंट करना, बाकी तो आप देखिए वैल्यू प्लेस करना है 2.7 × 10⁻²। जेड आपको निकालना है, मैं थोड़ा वाली देता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। 2.7 × 10⁻², जेड मोलर मास, कितना मोलर मास है, ये था मोलर मास, सॉरी मोलर मास की जगह हाँ ये कर लेता हूँ, ये मोलर मास 2.7 × 10⁻²। ये डेंसिटी, जेड मोलर मास, ए क्या है आपका, ये 405 × 10⁻²² का होल क्यूब, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³। इन न्यूमेरिकल्स का एक और खासियत है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई है आपसे इन बिटवीन तो आप उलझना मत इसमें, अगर बहुत टाइम खाएगा न्यूमेरिकल आपका। तो बेटर है जब आपको न्यूमेरिकल्स आए डेंसिटी वाले तो सबसे लास्ट में लीजिए, और प्रैक्टिस करिए इनकी कैलकुलेशन के लिए, लंबे लंबे कैलकुलेशन है, कट करना सीखिए पावर्स को, देन यू विल गेट योर आंसर। इसका आंसर आएगा जेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, और ये है आपका एफ सी सी। ये मैं छोड़ रहा हूं, इसका कैलकुलेशन करके देखना 3.8 या 3.9 या 4.1 के आसपास आएगा। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल नंबर टू, बढ़ते हैं आगे। ये न्यूमेरिकल देखिए आप, जेई मेंस का 1 मार्क न्यूमेरिकल है, हो सकता है व्हाट्सएप वगैरह में डाल दें। आपके पास केमिकल है केएफ, पोटेशियम फ्लोराइड, एंड इन पोटेशियम फ्लोराइड पोटेशियम का रेडियस है आपका 133 पिकोमीटर, एंड फ्लोरीन माइनस का रेडियस है आपका 136 पिकोमीटर। आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोटेशियम एंड फ्लोरीन आयन इन केएफ, केएफ में के प्लस और एफ माइनस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू एटम तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टू एटम के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस। तो सपोज ये के प्लस आयन, ये एफ माइनस आयन, साइज छोटा बन गया फ्लोरीन का, बड़ा होना चाहिए, ये एफ माइनस आयन। देखिए अब देखिए इन दोनों की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है, और ये आपका न्यूक्लियस है पोटेशियम का, ये न्यूक्लियस है आपके फ्लोरीन का, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ पोटेशियम प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो आप क्या लिख दोगे,
डिस्टेंस इक्वल आर प्लस प्लस आर माइनस, सिंपल न्यूमेरिकल है, आर प्लस की वैल्यू 133, आर माइनस 136, तो क्या जाएगा 169 इक्वल मिलेगा, दिस इज द आंसर। वन मार्क में देना चाहे तो दे सकता, बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल देखिए आप, ये सीबीएसई 2016, 18 एंड 19 तीन साल आए पिछले 5 ईयर्स में, देखिए क्या न्यूमेरिकल। आपके पास सेल का पैटर्न है बीसीसी, एज लेंथ है आपके पास 286 पिकोमीटर, डेंसिटी है सेल का 7.2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है हाउ मेनी एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब आपके पास एलिमेंट का मास मेंशन है 208 ग्राम, ये मोलर मास नहीं है, आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ एलिमेंट का, आपको बताना है उस अमाउंट में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल अजीब न्यूमेरिकल है, नया नई कैटेगरी का, कहां है फॉर्मूला में आपको आंसर मिलेगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं, देखिए 286 पिकोमीटर, 286 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ये देख लो सेंटीमीटर लगा हुआ है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और चेंज करूं डेसिमल यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा 2.86 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर करें कैसे, एक्चुअल न्यूमेरिकल टफ है, ये बीसीसी ये जेड का वैल्यू है, देखिए अभी भी देगा अपने आप आंसर आपको, ए क्यूब 2.86 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब, एवोगैड्रो नंबर एंड मोलर मास। अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये क्या है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अगर कुछ याद आ रहा हो आपको 11th का पढ़ा हुआ तो वो इंक्रीमेंट होगा, क्या है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल क्या होता है मास ऑफ वन एटम, अभी कराया था मैंने डेरिवेशन, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल मास ऑफ वन एटम, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7.2 इक्वल टू इंटू मास ऑफ वन एटम अपॉन 2.86 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब, सही है, इससे आपको निकालना है मास ऑफ वन एटम, ध्यान से देख लीजिए पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, चलो करते हैं बिल्कुल, 7.2 इंटू 2.86 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब अपॉन 2 इक्वल एम, ये आपसे को देगा क्या मास ऑफ वन एटम। बढ़ते आगे, अब देखिए आपका वन एटम का मास निकल गया, यहां से कट कर लेगा वैल्यू 3.6, तो ये क्या आपका वन एटम का मास है। अब क्या कैलकुलेट करना है टोटल नंबर, टोटल नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टोटल मास गिवन अपॉन मास ऑफ वन एटम, टोटल मास कितना गिवन है आपको 208 ग्राम और वन एटम का मास क्या है 3.6 इंटू 2.86 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब, ये वैल्यू लगाइए वो तो दिख रहा है कि आप आराम से इजीली कर लोगे 208 अपॉन 3.6 इंटू 2.86 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लीजिए यू विल गेट योर आंसर द नंबर ऑफ एटम दे दिए। तो ये मैंने 4-5 जो न्यूमेरिकल्स कराए आपको सारे अलग अलग कैटेगरी में कराए, एक दो कैटेगरी और छोटा हुआ है, अगले वीडियो लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे। ध्यान रखिए ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्लियर है, वीडियो टाइम पर देखिए, डिले मत करिए, ये नहीं कि आज डाल दिया उसको 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, कोई देखे या ना देखे आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, 12th क्लास में कोई यार दोस्त कोई यारी दोस्त की काम नहीं आने वाली है, आप ये जो करने वाले अपना उद्धार, सही है, वीडियो देखिए। कल जो आपका टेस्ट होगा कल ओनली न्यूमेरिकल्स का टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल्स में दूंगा आपको सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट्स के, सिंपल न्यूमेरिकल देने वाला हूं ओनली आपके प्रैक्टिस के लिए, ये मत सोचिए कितने मार्क्स आएंगे कम आ रहे हैं मेरा क्या होगा मुझे और क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता है, अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट हो जाता है अगर आप रेगुलर टेस्ट दोगे,
पर अगर रेगुलर टेस्ट नहीं दोगे तो हमेशा टबल में रहोगे। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।